पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया में एक टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है जो पतरातू पिठोरिया घाटी का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच डर का माहौल व्याप्त हो गया है। वन विभाग के पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने दूरभाष पर जब संपर्क किया और इसकी जानकारी चाही तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह महज एक भ्रम फैलाने का प्रयास पर है। इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यदि पतरातू या पिठोरिया घाटी में टाइगर देखा गया होता तो अब तक वन विभाग को इसकी सूचना मिल गई होती। हो सकता है यह वीडियो कहीं और का हो या फिर इसे एडिट कर डाल दिया गया हो, इसलिए लोगों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, वो वीडियो आपने देखा है? हाँ देखा है। तो खबर इसकी मैं बना रहा हूँ, तो यही बना दे रहा हूँ सर जो आपने कहा। हाँ उसी तरह कि ये भ्रम मात्र एक भ्रामक चीज है ना, सच्चाई तो है नहीं। मैंने ये मैंने विश्वसनीय नहीं है। और पूरे झारखंड में तो एक ही टाइगर प्रोजेक्ट है, बेतला में जी, तो वहां भी बाघों की संख्या उतनी अधिक नहीं है, एक दो बाघ रहते हैं। नहीं, ये लगता है कि दूसरे जगह का फोटो लेकर लोग शेयर करते। हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती, सच्चाई होती इस बात में, तो वन विभाग को तो अभी तक सूचना मिल गया होता। सूचना ही मिल गई होती, और ये जैसे कि कहीं कहीं बाघ करते दिखाई पड़ा था, अभी कहीं न किसी किसी जानवर को मारा हुआ रहता। हाँ, किसी न किसी बने गाय भैंस या किसी को हानि पहुंचाया रहता, तो इसको मैंने विश्वसनीय नहीं लगता है, भ्रम है। हाँ, मैंने पूरे झारखंड में देखी जगह टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है सर, वन विभाग इसकी पुष्टि नहीं करती, यही बात है। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू।